सर हमारा कांटा वेट सही नहीं दिखा रहा है, बिना वजन रखे ही 30 किलो दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज इसकी रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने इसके बैक साइड पे जो दो कुंडियां लगी होती है, स्प्रिंग लगे होते हैं, उसको ओपन करना है विद हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों इसको टेक्निकली हमने धीरे धीरे स्प्रिंगों को खोलना है, जितना आसान इनको खोलना है उससे 10 गुना ज़्यादा लगाना द्वारा औखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो कनेक्टिंग लीवर थे दोनों, वो खुल चुके थे, इसी वजह से जो ये गलत रीडिंग दिखा रहा था। तो सबसे पहले इसके लीवर हम कनेक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि कैसे कनेक्ट करना है, आज फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो, ये आपके बहुत काम आने वाली है जो कांटे रिपेयर करते हैं। अब हम इस पर चेक करेंगे तो ये 60 kg दिखा रहा था, अब पहले इसको 0 पे स्क्रीन को जो इसकी डिस्प्ले रीडिंग वाली वो सेट करते हैं, और अब ये पूरी 0 पे सेट हो गई है। अब इस पर हम वजन रखेंगे और वजन रखने के बाद चेक करने के बाद फिर दोबारा इसको बंद करेंगे। तो अब 0 है, इस पर 5 किलो का वजन, पूरा 5 किलो दिखा रहा है। अब फाइनली इसको बंद कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए अब आपको स्प्रिंग को एक साइड जो नीचे वाली है उसको टाइट करना है प्लास के साथ, और दूसरी तरफ ये जो स्प्रिंग है वो धागे के साथ या किसी और अच्छी मटेरियल के साथ बांधना है, गांठ देनी है। फिर उसके बाद जो दो हमने धागे बांधे हैं स्प्रिंग के साथ, उनको दोनों को इस तरह से दूसरे एंड से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद अब धागों को ऊपर खींचेंगे तो ईजिली स्प्रिंग बाहर आ जाएंगे और ये टाइट हो जाएगा। इसके बाद कैंची की मदद से हम काट देंगे, पहले एक बार बाहर निकालें दूसरा धागा भी। अब ये कांटा बिल्कुल फिट हो गया है, यही एक तरीका है इसका फिट करने का, और कोई तरीका नहीं। अब 10 किलो को पूरा, ये 10 किलो दिखा रहा है, मेरा वजन है पूरा 54 किलो, तो ये पूरा 54 किलो दिखा रहा है।